नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनजातीय क्रांतियों को उसका वास्तविक स्थान नहीं मिल सका है। आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव को मनाए जाने की दिशा में अग्रसर हैं, हमें वनांचलों के उन क्रांतिकारी योगदानों को विस्मृत नहीं करना चाहिए, जिसकी परिणति है कि आज हम खुली हवा में श्वास ले सके हैं। आज क्रांतिवीर गुंडाधुर की बात करते हैं, उस आंदोलन की जो एक समय बस्तर रियासत में विस्तारित हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान बस्तर संभाग उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा शासित एक रियासत थी। यह वर्ष था 1910। रियासत के काकतीय वंशीय राजा थे रुद्र प्रताप देव। कतिपय इतिहासकार इस राजवंश को चालुक्य वंशीय भी मानते हैं। उसी कालखंड में राय बहादुर पंडा बैजनाथ वर्ष 1903 से 1910 ईस्वी के मध्य बस्तर रियासत में ब्रिटिश प्रशासन की ओर से अधीक्षक की हैसियत से नियुक्त हुए थे। पंडा बैजनाथ का प्रशासन निरंकुशता का द्योतक था, जबकि उनके कार्य प्रगतिशील प्रतीत होते थे। उदाहरण के लिए शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा झोंक दी, किंतु इसके लिए उन्होंने जनजातीय अभिभावकों को विश्वास में लेने के स्थान पर शिक्षकों को ही निरंकुश बना दिया। पुलिस तक को जबरन बच्चों को स्कूल पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वन नीति को सख्ती से प्रतिपादित करने के बाद आदिवासियों के पास ऐसी कोई वस्तु शेष नहीं रही थी जिसे बेचकर वे व्यापारियों से नमक, कपड़ा, तेल या इसी तरह की दूसरी आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार की जबरदस्ती धीरे धीरे सुलग कर आदिवासी इतिहास के महानतम विद्रोह बूमकाल 1910 का कारण बनी। इस आंदोलन का शीर्ष नेतृत्व गुंडाधुर, डेबरीधुर तथा आयतु महाराज जैसे आदिवासी नेताओं से सज्जित था, साथ ही राजमाता सुवर्ण कुंवर तथा पूर्व दीवान लाल कालेंद्र सिंह ने भी अपनी उपेक्षा से नाराज होकर इस आंदोलन के योजनाकारों और प्रोत्साहकों की भूमिका निर्वहित की थी। बूमकाल की परिकल्पना दो अलग अलग किंतु समानांतर दृष्टिकोणों से चल रही थी। यह एक गुथा हुआ आंदोलन था जिसके स्पष्टतः दो पक्ष थे। एक ओर सामंतवादी सोच के साथ लाल कालेंद्र सिंह सत्ता को अपने पक्ष में झुकाना चाहते थे, दूसरी ओर आदिवासी जन अपने शोषण से त्रस्त एक ऐसा बदलाव चाहते थे जहां उनकी मर्जी के शासक हों और चाही हुई व्यवस्था होनी चाहिए। आदिवासी नेता गुंडाधुर में एक ओजस्विता, नेतृत्व क्षमता तथा वाक्पटुता थी, जिसके दृष्टिगत भूमकाल आंदोलन के प्रमुख योजनाकारों में से एक लाल कालिंद्र सिंह ने धुरवा जनजाति के इस ओजस्वी युवा को नेता नारगांव से बाहर निकालकर विद्रोह का अगुआ बना दिया। बस्तर रियासत ब्रिटिश फॉरेन डिपार्टमेंट सीक्रेट फाइल दिनांक 1/8/1911 के अनुसार गुंडाधुर को वर्ष 1910 की जनवरी में ताड़ोकी की एक सभा में लाल कालिंद्र सिंह की उद्घोषणा के द्वारा सर्वमान्य नेता चुना गया था। यही नहीं, गुंडाधुर को प्रमुख नायक चुनने के बाद परगना स्तर पर भी अलग अलग नेता नामजद किए गए थे। अंतागढ़ से आयतु महारा, कोंडागांव से भागी, दंतेवाड़ा से डिंडा और कुराटी मासा, सुकमा से बोड़की बिरी और दनिया, कोंटा से धनीराम हलवा, बारसूर से कोरिया माझी और जेकरा पेद्दा प्रमुख थे, जिन्हें मंच पर बुलाकर उनका भव्य सम्मान किया गया था। यह सम्मान प्रेरणा स्रोत था जिसके बाद बूमकाल की योजना पर कार्य आरंभ हो गया। बूमकाल के लिए गुंडाधुर ने अपने भीतर छिपी अद्भुत संगठन क्षमता का परिचय दिया। संपूर्ण रियासत की यात्रा की, वह एक घोटुल से दूसरे घोटुल बूमकाल का संदेश प्रसारित करता घूमता रहा। डेबरीधुर उत्साही युवकों का संगठन तैयार करने में लग गया था।
इतनी बड़ी योजना पर खामोशी से अमल हो रहा था, इसके पीछे गुंडाधुर और लाल कालिंद्र सिंह दोनों का ही बेहतरीन नेतृत्व कार्य कर रहा था। अंग्रेज राज्य के शोषक अधिकारी दीवान पंडा बैजनाथ, पुलिस, डाक कर्मचारी, अध्यापक और ईसाई मिशनरी शत्रु के रूप में चिन्हित कर लिए गए। जन जन तक उसकी अविश्वसनीय तरीके से पहुंचने किंवदंती प्रसारित कर दी कि गुंडाधुर को उड़ने की शक्ति प्राप्त है, वह जादुई शक्तियों का स्वामी है। जब बूमकाल शुरू होगा, अंग्रेज बंदूक उठाएंगे तो गुंडाधुर अपने मंत्र से गोली को पानी बना देगा। बूमकाल आरंभ करने में सम्मिलित होने के प्रतीक की तरह लाल मिर्च बधी आम की डाल गांव गांव भेजी जा रही थी। जो गांव यह प्रतीक स्वीकार करते वे क्रांति के भागीदार हो जाते। इसी बीच ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट दिब्रेट ने बस्तर राज्य का दौरा किया। उन्हें कहीं से भी इस आने वाले तूफान की कोई भनक नहीं लगी। 1 फरवरी 1910 को संपूर्ण बस्तर रियासत में एक साथ एक ही समय महान क्रांति की आग सुलगी। पहले कदम के तौर पर पुलिस चौकियों, फॉरेस्ट के सभी ऑफिस और गांव में बने स्कूल आग के हवाले कर दिए गए। टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। जगदलपुर में कुछ अफगानों की दुकानें लूट ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को पीटा गया। देखते ही देखते आधी से ज्यादा रियासत पर गुंडाधुर और उसके साथियों का अधिकार हो गया था। 3 फरवरी को जगदलपुर के पास चिंगपाल गांव में विद्रोहियों ने बहुत बड़ी सभा की। इसके बाद 4 फरवरी 1910 को कोकानार का बाजार लूटा गया। यहां भी एक अफगान की हत्या कर दी गई। 5 फरवरी को करंजी का बाजार लूटा गया और गांव अपने अधिकार में कर लिया गया। पुलिस थाना और सरकारी दफ्तर आग के हवाले कर दिए गए। इस बीच सबसे बड़ी घटना 6 फरवरी की है। पंडा बैजनाथ के ना पकड़े जाने से बौखलाकर राजमाता सुबरन कुंवर ने दीवान को खोजने और उसके दोनों हाथ काट डालने का आदेश दे दिया। दीवान की तलाश में विद्रोही गीदम में घुसे और बिना लड़े ही उनका इस कस्बे पर अधिकार हो गया। विद्रोही एक के बाद एक गांव, परगने और जमींदारियों को विजित करते आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में उन्हें अपना पहला प्रतिरोध बारसूर में मिला। यहां बैजनाथ हलवा के नेतृत्व में जमींदार ने विद्रोहियों की खिलाफत कर दी। बतीसा मंदिर के सामने भयानक युद्ध छिड़ा जिसमें विद्रोहियों को विजय मिली। भोपाल पट्टनम में भी जमींदार कुछ हद तक व्यवस्था को बनाए रखने में सफल रहा था। दक्षिण बस्तर के सुदूर कोंटा की 4 दिनों से घेराबंदी की गई थी। वहां के जमींदार के सशस्त्र प्रतिरोध ने बूमकालियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। डेबरीधुर को कोंटा में मिली असफलता के बाद उसे कुटुरू के विद्रोही दल को सहयोग करने के लिए भेजा गया। चतुर डेबरीधुर ने कुटुरू में रसद की आपूर्ति को पूरी तरह से काट दिया। असहाय होकर जमींदार सरदार बहादुर निजाम शाह को समझौते के लिए विद्रोहियों के पास संदेश भेजना पड़ा। अगली सुबह विजय के उन्माद में उत्साही विद्रोहियों ने दंतेवाड़ा पर हमला कर दिया। विद्रोही दंतेवाड़ा को अपने अधीन करने में सफल तो ना हो सके, परंतु वे यहां से कोंडा गांव की ओर बढ़ गए और देखते ही देखते एक और नगर बूमकालियों के अधीन हो गया था। यहां 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। जगरगुंडा का जमींदार और उसके अधिकारी विद्रोहियों के नगर प्रवेश करने से पहले ही भाग गए थे। इधर उसूर को अपने अधिकार में लेने के बाद विद्रोहियों ने हाथ आए एक पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। यह तो बात दक्षिण बस्तर की थी, लेकिन रियासत के बिल्कुल दूसरे छोर पर अबूझमाड़ भी बूमकाल की आग में जल रहा था। छोटा डोंगर से आयतू महारा के नेतृत्व में आंदोलन को शक्ति मिली। आयतू की पहली विजय थी अंतागढ़। इसके बाद आयतू ने नारायणपुर जेल पर हमला कर सभी कैदी मुक्त करा दिए। जब विद्रोही नारायणपुर में मुरियाराज की घोषणा करने के बाद डोंगर की ओर लौट रहे थे, उन्हें पहली बार ब्रिटिश प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेज अधिकारी डूरी घात लगाकर बैठा हुआ था। 8 से 10 राउंड गोलियां चली, 3 विद्रोही ढेर हो गए। दूरी ने अचानक
नगाड़ों की आवाज सुनी। आसपास के गांवों से अचानक हजारों विद्रोही एकत्रित हो गए। अपने चार सिपाहियों की मौत के बाद डूरी को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। अगली सुबह जब आयतु महारा के नेतृत्व में विद्रोही कुतुल की ओर बढ़ रहे थे, कैप्टन डूरी ने एक बार फिर दुस्साहस भरी कार्रवाई की। 144 राउंड गोलियां चली, जंगल रक्त से नहा गया, दर्जनों विद्रोही शहीद हो गए। डूरी के सिपाही भी हताहत हुए। एक पूरी बटालियन की जगह उसके पास केवल 18 सैनिक रह गए थे। अब यह दूसरा मौका था जब विद्रोही हावी हो गए और डूरी को फिर पीठ दिखाकर भागना पड़ा। एक अन्य क्रांतिकारी जो राज परिवार का हिस्सा भी थे, मुकुंद देव माछमारा, उनका मोर्चा कोंडा गांव से लेकर केशकाल की घाटियों तक था। असिस्टेंट डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जे ए ड्यूक अपने सिपाहियों के साथ केशकाल की घाटियों तक तो पहुंच गया, किंतु आदिवासी प्रतिरोध के आगे असहाय हो गया। ड्यूक ने हिम्मत नहीं हारी। 3 असफल कोशिशों के बाद पुलिस बल 2 समानांतर पर्वत चोटियों पर चढ़ने में कामयाब रहा, लेकिन सिपाही वहां फंस गए क्योंकि विद्रोहियों ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। अब बस्तर में पहले भी प्रशासक रह चुके G.W. गेयर को इस आंदोलन के दमन के लिए विशेष रूप से पदस्थ किया गया। गेयर बस्तर रियासत का नक्शा समझता था, फिर भी विद्रोही उसे केशकाल में ही रोके रखने में सफल रहे। अब कैप्टन रैडाल के नेतृत्व में एक बड़ा सैन्य दल केशकाल घाटियों की ओर रवाना किया गया। अगली सुबह के साथ ही ड्यूक, रैडाल और गेयर की संयुक्त सेना विद्रोहियों पर टूट पड़ी। कई घंटों का भीषण संघर्ष चला, अनेकों विद्रोही वीर हताहत हुए और तब कहीं जाकर अंग्रेज बस्तर की सीमा में प्रवेश कर सके। इंद्रावती नदी के किनारे खड़क घाट पर सेना तथा विद्रोहियों के बीच फिर भयावह संघर्ष हुआ, जिसमें सैकड़ों विद्रोहियों को बलिदान देना पड़ा। इसके पश्चात ही ब्रिटिश सेना जगदलपुर पहुंचने में सफल हो सकी थी। एक ओर विद्रोही राजधानी को घेर कर बैठे थे और दूसरी ओर गेयर, दिब्रेट और उसके साथ पहुंची अंग्रेज सैन्य टुकड़ियों के कारण तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। गेयर को यह अनुमान था कि जब तक अतिरिक्त मदद उसे नहीं मिल पाती, किसी भी स्थिति में सीधे संघर्ष को रोक कर रखने में ही लाभ है। वही चिर परिचित चालाकी से काम लिया गया जिसके लिए कायर अंग्रेज जाने जाते रहे हैं। गेयर को ज्ञात था कि माटी ही आदिवासियों का जीवन है और देवता है। अपने प्रशासकीय कार्यकाल के दौरान अनेकों मुकदमों में उसने पाया था कि आदिम मिट्टी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। यहां तक कि हत्या जैसे मुकदमों में भी मिट्टी की कसम खिलाए जाते ही आदिमों ने अपराध यह जानते हुए भी कबूल कर लिया था कि उन्हें फांसी की सजा हो जाएगी। इसी सरलता और निष्कलंकता को गेयर ने अपने आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने स्वयं मिट्टी को हाथ में उठाकर आदिवासियों की सभी समस्याओं को हल करने की कसम खाई। उसने विश्वास दिलाया कि आदिवासी अपनी लड़ाई जीत गए हैं, अब आगे का शासन उनके अनुसार ही चलाया जाएगा। आदिवासी इस चाल में आ गए। भला मिट्टी की भी कोई झूठी कसम खा सकता है? माटी तो सभी की देवी देवता है, वह बस्तरीय हो या कि अंग्रेज। समूह में से कुछ विद्रोहियों को सहमति के आधार पर समझौतों के लिए नामित किया गया। इस नामित समिति का कार्य गुंडाधुर और सरकार के बीच संवाद स्थापित करना था। गेयर सभा से उठा तो उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। वह भावनात्मक बेवकूफ तो हरगिज नहीं था, इसके अलावा इतना व्यावहारिक तो था कि कसम वसम जैसी बातों को वाहयात समझता था। मिट्टी की सौगंध खाकर गेयर ने मनोवैज्ञानिक अस्त्र साधा था। उसने आदिम समूहों को भी मिट्टी की कसम उठाने के लिए बाध्य कर दिया कि जब तक बातचीत की प्रक्रिया चलेगी, विद्रोही आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद वार्ता आरंभ हुई। हर बार प्रस्तावों को किसी न किसी तरह टाल मटोल कर गेयर वापस लौटा देता। विद्रोहियों को लगता कि उनकी बात सुनी जा रही है और गेयर के लिए इंतजार का एक एक दिन कटता जा रहा था।
यह संदेश अंग्रेजों तक पहुंच चुका था कि 24 फरवरी की सुबह सुबह मद्रास और पंजाब बटालियन जगदलपुर पहुंच जाएगी। देर से मिली सूचना के बाद भी जबलपुर, विशाखापट्टनम, जयपुर और नागपुर से भी 25 फरवरी तक सशस्त्र सेनाओं के जगदलपुर पहुंचने की उम्मीद बन गई थी। सेनाएं पहुंची, जैसे ही अंग्रेज शक्ति संपन्न हुए तुरंत ही वार्ताओं को परे कर विद्रोहियों को राजधानी से खदेड़ने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई। विद्रोही हतप्रभ थे, मिट्टी की कसम खाकर भी धोखा। क्या गेयर के अपने देश में मिट्टी का कोई मान नहीं होता? झूठ और साजिश से मिली जीत से भी अंग्रेजों को क्या कोई ग्लानि नहीं होगी? फौज की अपराजेय ताकत और आग उगलने वाले हथियारों वाली सेना को नंग धड़ंग कुलाड़ फरसाधारियों से युद्ध जीतने में षड्यंत्र करना पड़ता है, इसके लिए वे शर्मिंदा भी नहीं होते। गोलियां चलने लगी। यह विद्रोहियों के लिए अनअपेक्षित था, वे तैयार भी नहीं थे। गुंडाधुर ने पीछे हटने का निर्णय लिया। सरकारी सेना आगे बढ़ती जा रही थी और विद्रोही जगदलपुर की भूमि से खदेड़े जा रहे थे। कई विद्रोही गिरफ्तार कर लिए गए और कई बस्तर की माटी के लिए शहीद हो गए। यह बहुत ही भयानक रात थी। पराजित, थके हुए तथा मनोबलहीन विद्रोही जगदलपुर से 8 किलोमीटर दूर स्थित अलनार गांव में एकत्रित हुए। किसी तरह गेयर तक खबर पहुंच गई कि विद्रोही अलनार में इकट्ठा हो गए हैं। गुंडाधुर के नेतृत्व में सुबह होते ही महल पर हमला किया जाएगा। यद्यपि यह अत्यंत साहसिक हमला ही सिद्ध होता, चूंकि मशीन गनों से सज्जित अंग्रेजी सेना महल की सुरक्षा में थी, तथापि जिनके मस्तक पर कफन बांधे गए हो वे तो साहसी हो ही जाते हैं। गेयर ने आधी रात को सोते हुए जनसमूह पर हमला करना श्रेयस्कर समझा। बस्तर को हमेशा अपने वीर माटी पुरुषों पर गर्व रहेगा, जो इस आपातकाल में भी सहमे नहीं, लड़कर जान देंगे की भावना के साथ आधी रात को हुए कायराना अंग्रेज आक्रमण का उत्तर देते रहे। भोर की पहली किरण के साथ ही युद्ध समाप्त तो हो सका। अलनार गांव से विद्रोही पलायन कर गए। गुंडाधुर एक बार फिर गेयर की पकड़ में नहीं आया। गेयर को गुंडाधुर के प्रमुख विद्रोही साथी डेबरीधुर को पकड़ने में भी नाकामयाबी मिली। गुप्त सूचना के आधार पर कुछ घुड़सवारों को नेतानार भेजा गया। एक सिपाही डेबरीधुर की झोपड़ी के भीतर घुसा, किंतु आहट से सचेत हो चुके इस विद्रोही ने बिजली की फूर्ति के साथ हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद डेबरीधुर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में गायब हो गया और सिपाही असहाय देखते रह गए थे। गेयर ने गुंडाधुर को पकड़ने के लिए 10,000 और डेबरीधुर पर 5,000 रुपयों के इनाम की घोषणा की थी। शीघ्र ही गुंडाधुर ने विद्रोहियों का संगठन पुनर्जीवित कर लिया। नेतानार में ही गोपनीय तरीके से तैयार किया गया 700 क्रांतिकारियों का समूह पुनः उस ब्रिटिश सत्ता से टकराने के लिए तत्पर था, जिनके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है। 25 मार्च 1910 उलनार भाटा के निकट सरकारी सेना का पड़ाव था। गुंडाधुर को जानकारी दी गई कि गेयर भी उलनार के इस कैंप में ठहरा हुआ है। डेबरीधुर, सोनू माझी, मुसम्मी हड़मा, मुंडी कालार, धानु धाकड़, बुधरू बुटलू जैसे राज्य के कोने कोने से आए गुंडाधुर के विश्वस्त क्रांतिकारी साथियों ने अचानक हमला करने की योजना बनाई। विद्रोहियों ने भीषण आक्रमण किया। गेयर के होश उड़ गए। वह चारों ओर से घिरा हुआ था। वाणों की बौछार से घायल होते उसके सैनिकों में भगदड़ मच गई। अंग्रेज सैनिकों के पास हमले का प्रत्युत्तर देने का भी समय नहीं था। गेयर जानता था कि यदि वह अब पकड़ लिया गया तो विद्रोही जीवित नहीं छोड़ेंगे। बुरी तरह अपमानित महसूस करता हुआ वह युद्ध भूमि से पलायन कर गया। 1 घंटे भी सरकारी सेना विद्रोहियों के आगे नहीं टिक सकी और भाग खड़ी हुई। उलनार भाटा पर अब गुंडाधुर के विजयी वीर अपने हथियारों को लहराते हुए उत्सव मना रहे थे। नगाड़ों ने आसमान गुंजायित कर दिया। मुरिया राज की कल्पना ने फिर से पंख पहन लिए थे। इस विजयोन्माद में सबसे प्रसन्न सोनू माझी ही लग रहा था।
कोई संदेह भी नहीं कर सकता था कि विद्रोहियों का यह साथी अंग्रेजों से मिल गया है। महीने भर बाद मिली इस बड़ी जीत से सभी विद्रोही उत्साहित थे। सोनू माझी ने स्वयं आगे बढ़कर शराब परोसी। सभी ने छक्कर शराब और लांदा पिया। रात गहराती जा रही थी। निद्रा और नशा विद्रोही दल पर हावी होने लगा। सोनू माझी दबे पांव बाहर निकला। वह जानता था कि इस समय गेयर कहां हो सकता है। उल्नार से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक खुली सी जगह पर गेयर सैन्य दल को एकत्रित करने में लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दिब्रेट से क्या कहेगा। उसे इस अपमानजनक पराजय का कोई स्पष्टीकरण गढ़ते नहीं बन रहा था। सोनू माझी को सामने देखकर तिनके को सहारा मिलता हुआ प्रतीत हुआ। सोनू माझी के यह बताते ही कि विद्रोही इस समय अचेत अवस्था में है तथा यही उन पर आक्रमण करने का सही समय है, गेयर को अपनी कायरता दिखाने का भरपूर अवसर मिल गया। पौ फटने में अभी देर थी। गेयर ने संगठित आक्रमण किया। सोनू माझी आगे आगे चलकर मार्गदर्शन कर रहा था। गोलियों की आवाज ने अचेत गुंडाधुर में चेतना का संचार किया। वह संभला और आवाजें दे देकर विद्रोही दल को सचेत करने लगा। नशा हर एक पर हावी था। कुछ अर्ध अचेत विद्रोहियों में हलचल हुई भी, किंतु उनमें धनुष बाण को उठाने की ताकत शेष नहीं थी। हर बीतते पल के साथ गेयर के सैनिक कदम ताल करते हुए नजदीक आ रहे थे। गुंडाधुर ने कमर में अपनी तलवार खोसी और भारी मन तथा कदमों से घने जंगल की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि उसके पकड़े जाने से यह महान भूमकाल समाप्त हो जाएगा। वह जीवित है, पकड़ा नहीं गया है तो उम्मीद भी शेष है। कोई विरोध या प्रत्याक्रमण न होने के बाद भी क्रोध से भरे गेयर ने देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए थे। सुबह 21 लाशें माटी में शहीद होने के गर्व के साथ पड़ी हुई थी। डेबरीधुर और उसके प्रमुख क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। नगाड़ा पीट पीट कर जगदलपुर शहर और आसपास के गांवों में डेबरीधुर के पकड़े जाने की मुनादी की गई। उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और कोई सुनवाई भी नहीं। नगर के बीचों बीच इमली के एक पेड़ पर डेबरीधुर और माड़िया माझी को लटकाकर फांसी दी गई। नम आंखों से बस्तर की माटी ने अपने वीर सपूतों की शहादत को नमन किया और फिर आत्मसात कर लिया। मित्रों, महान बोमकाल के इस इतिहास के साथ आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।